बैक। तो आज हम कर रहे हैं अपना ट्रेलर रिएक्शन, नहीं टीजर रिएक्शन, मूवी प्रस्थानम। तो मूवी प्रस्थानम का टीजर रिएक्शन करेंगे और इस मूवी में है संजय दत्त, जैकी श्रॉफ एंड मेरे ख्याल से ये डायरेक्टर होगा देवा कत्ता। एंड ये मूवी रिलीज हो रही है 20 सितंबर को, तो काफी जल्दी होने वाली है। इसका मतलब फिर थोड़ी लेट हो गई पता करने में, पर संजय दत्त की मूवी है और मैंने संजय दत्त की मूवियां काफी टाइम से नहीं देखी, मेरे ख्याल से कोई आई भी नहीं होगी। संजय दत्त मेरा कोई इतना फेवरेट एक्टर नहीं है एंड मुझे पता है जो संजय दत्त के डाई हार्ट फैंस होंगे उनको काफी ऑफेंसिव लगेगा, ये क्या बात है, डिसलाइक कर देंगे, पर अपनी अपनी ओपिनियन है। पर हाँ, मैं कह रही मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पर ये नहीं कि मैं उसकी मूवीज देखती नहीं, मैं अगर उसकी कोई अच्छी मूवी हो तो जरूर देखती हूँ। जैसे कि मुन्ना भाई MDBS, वो मैंने पता नहीं कितनी बारी देखी और उसके सारे जो डिफरेंट सीक्वल्स बने थे सब देखी, वो बहुत ही अच्छी थी, रिमेम्बर, बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो हाँ, तो देखते हैं क्या ये संजय दत्त की मूवी जो है, इसका टीजर देख के कि ये वाकई उस टाइप की कुछ अच्छी मूवी है कि नहीं। तो चलो देखते हैं टीजर। हाथ धोगे तो रामायण शुरू होगी, चीरोगे तो महाभारत, पॉलिटिशियन टाइप बना टाइगर श्रॉफ। अभी बताओ तुझे, this is Tiger Shroff. Jackie Shroff. Tiger Shroff. So just like part of the end. Yeah, produced by Manyata Dutt and directed by Deva. Yeah, I don't know. This is just confusing no matter how many times I watch it. Like something just happening and they're like people hitting each other with a stick. Okay. And then there's a guy with a gun and then the guy falls off the building and then I'm just like, okay. And then there are a bunch of people fighting each other on the bridge. So okay. I don't understand it. अच्छा, तो ऋषि ये कह रहा है कि क्योंकि ये टीजर है तो कुछ सीक्वेंस में तो है नहीं, तो सिर्फ इसको पूरा आइडिया हो रहा। और दूसरी ये बात है कि इसमें कैप्शनिंग इंग्लिश में भी नहीं है, तो इसको भी थोड़ी मुश्किल हो रही कि बोल क्या रहे हैं, उससे समझ नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। पर अगर टीजर बिना उसके खाली सीन्स देखे तो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या अजीब अजीब चीजें हो रही है, कि कोई नीचे गिर रहा है और क्या बताया, so he was falling off a building and कोई बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है, about 200 billion people fighting each other, और इतने सारे लोग आके ब्रिज पे पूरा ग्रुप आके वहाँ पे फाइट कर रहा है, उसको वो भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो उसको ये एक्चुअली में ये है कि क्योंकि इसने कभी इंडिया देखा नहीं है तो इतनी भीड़ नहीं देखी और इसको इंडिया का बैकग्राउंड भी नहीं पता कि वहाँ पे हम तो मूवीज बहुत सारी देखी हुई है हिंदी की, बॉलीवुड में, और इस टाइप की मूवीज हमने देखी हुई है, तो हमें पता है कि कैसे वहाँ पे कैसे लड़ाइयाँ होती है, रोयट्स हो जाते हैं और वो सब होता है। ओके, सो इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो उसको पता करने में क्योंकि समझ नहीं आ रहा तो वो बता नहीं पा रहा कि ये मूवी अच्छी है नहीं है, क्या हो रहा है। तो ये उसका रिएक्शन है और मेरा रिएक्शन ये है। अब मैंने जब इसको फिर से देखा है तो मुझे मूवी ठीक लग रही है क्योंकि नो आई लाइक इट मोर। मुझे अब ये मूवी थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, पहले जब मैंने देखा था तब मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और मुझे इसमें जो शुरू में डायलॉग बोला है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो जो डायलॉग उसने बोला कि अगर हक दोगे तो रामायण होगी और अगर हक छीनोगे या कुछ उस टाइप से तो महाभारत होगी, तो इसका मतलब यह है कि इफ यू गिव व्हाट बिलोंग्स टू अस व्हिच इज आवर राइट, इफ यू डोंट टेक अवे आवर राइट then it will be like a Ramayana, everything nice, yeah, and peaceful. Yeah, but if you take away our rights, you take away our freedom and stuff, yeah, then it's going to be a Mahabharata. So Mahabharata means a war. Yeah, that makes sense. Yeah. So, but the dialogue is really nice. I mean, how you project that same thing instead of saying that and using that dialogue, that was really a very nice dialogue. So I love that part. मुझे ये teaser अच्छा लगा क्योंकि उसमें जिस तरह से उन्होंने दिखाया और ये डायलॉग मारे तो ऐसे लगता है कि हाँ ये मूवी देखने लायक है कि क्या है क्या नहीं। हाँ पर स्टोरी लग रही कोई टिपिकल जैसे स्टोरी होती है कि पॉलिटिशियंस हैं, कोई गंदे हैं, लड़ रहे हैं और बहुत वायलेंस है, गन गुन दिखा दी, लोगों डटाठियों से मार रहे हैं लोगों को। तो मुझे इस टाइप की मूवीज अच्छी नहीं लगती कि क्यों कैसे कोई ऐसे कर सकता है कि कोई यू नो लॉ ऑर्डर है ही नहीं, तो वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है मेरे लिए। तो मेरे को इस टाइप की इतनी मूवीज पसंद नहीं आती हैं। पर हाँ अगर संजय दत्त की कोई मूवी ऐसे हो जैसे मुन्ना भाई MDBS में बाबा बोल रही हूँ तो मुझे काफी अच्छी लगती है। तो मेरे टाइप की ये मूवी इतनी नहीं है जैसे इस टीजर में देखने को मिल रहा है। बहुत वायलेंस है, बहुत ही यू नो लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हैं कि कोई लॉ ऑर्डर नहीं हो रहा, कोई भी मनमानी चल रही, किसी को भी कोई गुंडे आके मार दिया। तो वो मैं उस टाइप की मूवीज मुझे इतनी पसंद नहीं है। पर हाँ जो संजय दत्त के फैन है उनको तो ये मूवी अच्छी लगेगी क्योंकि ये फाइट फूट वाली है और संजय दत्त है इसमें। तो अगर आप इस मूवी को देखें तो मतलब टीजर है तो टीजर में बहुत जल्दी जल्दी से दिखा रहे हैं, बार बार यू नो जो फोटो दिखाते हैं हटाते हैं, फोटो दिखाते हैं हटाते हैं, कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रही कि एक के बाद आप कोई कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं तो टीजर कहानी नहीं बता रहा, ऐसे रैंडमली जल्दी जल्दी चीजें दिखा रहा है। इसमें ये टिपिकल जो है मतलब हिंदी मूवी की तरह ही है, टिपिकल देसी मूवी का देसी एजेंडा है, कोई पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी का हक जा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, एक अच्छा इंसान होगा एक बुरा इंसान होगा, बुरे इंसान के कुछ लोग मरेंगे, अच्छे के कुछ मरेंगे, अल्टीमेटली अच्छा जीत जाएगा और गुंडे हैं, मोर्चेबाजी हो रही है। तो ये टिपिकल जो है हिंदी सिनेरियो की मूवी है और नॉर्मली अमेरिका में इस टाइप की मूवी नहीं बनती। तभी इसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ऐसे अमेरिका में इस टाइप की मूवी नहीं बनती है, प्योर ये हिंदी मूवी है और मैं नॉर्मली इस टाइप की मूवी नहीं देखता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन एक्टर है कौन नहीं है, मगर इस तरीके के मूवी में पसंद नहीं क्योंकि उसमें कुछ नई बात नहीं है। ठीक है पॉलिटिशियन है मगर तुम पॉलिटिशियन का बड़ा ग्रह मैंने तो कभी देखा नहीं, इतने बड़े बड़े रियलिटी में कि तुम ओन करते हो सकता है किसी गांव में हो तो मुझे पता नहीं, और जिस तरह से तुम मतलब किसी पे अन्याय कर रहे हो उतना मैंने देखा नहीं। मैं बहुत साल रहा हूँ, मैं जिंदगी में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। तो उसमें काफी कुछ बढ़ चढ़ा के करते हैं, मार दिया जब हो सकता है किसी के साथ हुआ हो बट नॉर्मली लाइफ में इतना नहीं होता इस तरीके तक। तो कहानी है, समझ सकते हैं इंसान कहानी है, उसमें तुम बताना क्या चाह रहे हो कि पॉलिटिशियन बुरे, हाँ सबको पता है, कई अच्छे लोग होते हैं हमें पता है, कई बुरे लोग होते हैं हमें पता है, उन्हें मार कर होते लोग मर जाते हैं पता है, दंगे फसाद मत करो पता है। तो सब कुछ तुम्हें पता है इस मूवी का। और इसमें जो है नया क्या हुआ, फिर नया क्या तुमने दिखाया, और एक्टर है ठीक है कर रहा है, नया ये है कि भैया इसमें संजय दत्त जो है अब दिखा रहा है कि भाई मैं गुंडे टाइप का इंसान हूँ, अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ, मैं गोलियां भी चला सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी बन सकता हूँ, अंदर से अच्छा हूँ। तो ठीक है नॉर्मल थीम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि मुझे इस तरीके की मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कभी इस तरह की मूवी नहीं देखता, इसलिए मैं तो नॉर्मली उस तरफ हूँ कि मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ठीक है ऐसी बड़ी है, मेरे को कुछ इस मूवी से मिल नहीं रहा। तो मतलब ठीक है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मूवी नेगेटिव है, मैं इसको थम्स डाउन नहीं दूंगा। मेरा सिर्फ बायस है, मतलब मैं इस तरीके की देखता ही नहीं हूँ। तो मुझे पता था जैसे आप दिखा रहे हैं, मुझे पता है कि इस तरीके नहीं देखता, तो मैं न्यूट्रल ही दूंगा कि चलो आपको पसंद देखिए। अगर किसी को इस तरीके की मूवी पसंद है बिल्कुल देखिए, मगर मुझे इस तरीके पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी है, मगर मैं कहूँगा ठीक है, जिसको मतलब जो मन करता है वो देखिए। ओके तो अब हम अपना थम्स डाउन। Well, I feel like this is made by an Indian guy to make India look bad. Oh. Because I feel like why would you want to make India look bad in the first place? But then I don't understand. Usually movies like show something getting better, but this is like showing as if India is the worst place to ever go. I don't know why he's trying to make himself seem like a bad person in a movie. But like I just don't understand why people want to be portrayed as bad in a movie. No. He's not portrayed bad. अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि इसने बोला क्या है। ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने इस मूवी ये मूवी बनाई क्यों, क्योंकि जैसे ये है अगर ये देखेगा ये मूवी इंडिया की तो उसको ऐसे लगेगा इंडिया इतना गंदा है, इसमें इतनी लड़ाइयां होती है, लोग ऐसे दूसरे को मारते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस गंदे हैं, लोग कोई भी गन लेके ऐसे बैठ जाता है और किसी को भी गोली मार देता है। तो ऐसी मूवी बना क्यों रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि इंडिया ऐसा है। अगर कोई देखेगा इसको तो वो बोलेगा कि इंडिया इतना गंदा है। बात काफी हद तक सच्ची है, हम लोगों को तो पता है कि कहानी है और ऐसा थोड़ा बहुत अगर हम यूज टू हो चुके हैं इस सबको देखने में। पर जो बाहर से जैसे ये लोग हैं इंडिया, कई बच्चे जो यूएसए में रहते हैं या कहीं और रहते हैं या इवन आजकल तो अमेरिकन और बाहर की वर्ल्ड के भी लोग मूवीज देख रहे हैं, तो वो अगर ये मूवी देखेंगे तो उनको ये लगेगा इंडिया ऐसा है, तो वो पिक्चर ठीक नहीं है इंडिया की। मतलब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न मूवी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं मिशन मंगल है, वॉर है, वो मॉडर्न तरीके की मूवीज है और वो दिखा रही है इंडिया को, दिखा रही है कि इंडिया कितना अचीव कर रहा है, अरे महान है, तो आपको प्राउड हो गया कि आप इंडिया में हो। पर इस मूवी को देखे तो लगता है इतना गंदा हो कि इंडिया है, कोई लॉ ऑर्डर ही नहीं है। तो कुछ उस तरह से कई बड़ी हजारों करोड़ों मूवीज है जिनमें पॉलिटिशियन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। या ट्रू, वो कह रहा है बिल्कुल टिपिकल इंडियन मूवी की तरह। Watching a movie and I see like you're watching a movie on the TV and it's like this, you see someone killing another guy with a gun, yeah. He's like laughing and stuff. तो वही कह रहा है कि स्टीरियोटाइप है, मतलब कुछ अलग नहीं है। ऐसी मूवियाँ बहुत बनी है इंडिया में, कई इसने देखी है, सीन्स भी देखे हैं। जब हम लोग देखते हैं तो बीच में आके देखता है तो उसको वही लग रहा है कि वो तो ऐसी लग रही है इंडिया की मूवी जैसी। It doesn't feel like something new, like Transformers or like those kind of movies, something new is happening. मतलब कितना पैसा कितना लगाया है, तो पैसा लगाने के लिए दो चार सीन ले लिए, बसें दिखा दी, लोग दिखा दिए, झंडे उठा दिए, गन दिखा दी, इधर कुछ मार के थोड़ा कूद दिया, तो पैसा कम लगाया। Plot, like if you already know the whole plot, and then why would you want to watch something? Like if you don't know what's gonna happen, it's like you watch. कहानी के लिए teaser है, पूरी कहानी पता नहीं है, मगर twist होगा, कहीं suspense आएगा, कहीं कुछ होगा, मगर point ये है कि story है और ऐसी कई बनी हुई है। A book, like at the end you want to read the next book, you want it to stop, right? So like it should be like a movie where you don't know what but here you already know what's going to happen. नहीं, हमें पूरा नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि पूरा क्या होगा। तो ये कह रहा है कि भैया नहीं हो सकता है, हमें ये नहीं पता कि इस बारे में फाइटिंग हो रही है, हमें नहीं पता ये गंदा बन है, एक्टर गंदा बना हुआ है इस मूवी में। संजय दत्त की अच्छा आदमी बना है, लग रहा है वो अच्छा है, क्योंकि जैसे वो डायलॉग बोल रहा है कि अगर तुम किसी की राइट्स नहीं लोगे, हमारे हक नहीं छीनोगे, तो हम क्यों लड़ेंगे। अगर तुम हक छीनोगे तो हम लड़ेंगे। Okay. Like maybe show he's like a good guy, but like showing him with a gun and like hitting sticks at people doesn't really अच्छा, इसको अब हिंदी, क्योंकि ये English movies देखता है तो उसको ये typical हिंदी movies समझ भी नहीं आती है, इसीलिए वो इतना confused हो रहा है कि क्यों ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। पर हम लोगों ने देखी भी है, हम तो वहीं पर इंडिया में पैदा हुए, पूरी अपनी मोस्टली जिंदगी की है, तो हमें समझ में आ रही है ये मूवी। तो ये कोई अमेरिकन देखेगा तो उसका रिएक्शन ये होगा कि क्या है। तो वो यही बोल रहा है कि भाई अगर ये इसका जो आप देखोगे पर्सपेक्टिव ये है एक अमेरिकन के, यहाँ कोई जो इंडिया में नहीं रहा, इंडिया के बारे में नहीं पता, तो उसको देख के इसे लगेगा कि क्या अजीब सी मूवी है। पर हम लोगों के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगी कि ये मूवी बुरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मूवीज को तो देखते ही ट्रेलर चीजें निकल लेते हैं बकवास मूवी नहीं, और ये काफी अच्छी लग रही है मूवी, मुझे तो काफी ठीक लगी अभी टीजर देख के, कि ऐसा नहीं है कि ये मूवी बुरी हो मत देखो। तो और संजय दत्त के फैंस के लिए तो ये टिपिकल संजय दत्त जैसी मूवी है जिसमें वो फाइट करेगा और थोड़ा उस टाइप का गुंडा टाइप का बना हुआ है, तो और उसकी मूवीज हिट होती हैं, तो उनको तो काफी पसंद आएगी। अब अगर हम थम्स अप करें, अपने थम्स से बताएं तो मेरे लिए ये मूवी होगी, अगर ये है रियली गुड और ये बहुत ही गंदी और ये है कि मिडिल में भाई ठीक ठाक है, तो मेरी मिडिल नहीं है, वेरी गुड नहीं है, ये है उसके बीच में। तो मैं देखूंगी पर मैं खास जाके नहीं देखूंगी कि मुझे थिएटर में जाके संजय दत्त की मूवी देखनी है ये वाली, ये नहीं। हाँ, अगर मुन्ना भाई MDBS टाइप की होती तो फिर मैं थिएटर में देखती, वो मैं वेट भी करूंगी कब उसका नेक्स्ट सीक्वल बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये मूवी ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ पे है। और मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे को इस तरीके की मूवी पसंद नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तो ये दूंगा कि मतलब जिसको इस तरीके की मूवी पसंद है वो देखें। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि एक्टर कौन है, ठीक है एक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मगर जो थीम है वो बोर है, ऐसी थीम का फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगा इस मूवी को। Well, I would say down because I don't really. It just seems boring. Like just seeing no like actual interesting thing in it. It just the teaser itself doesn't want me to go and see it. अच्छा तो ऋषि को teaser के हिसाब से देखने के बाद उसको पसंद नहीं है। तो makes you. हाँ कहना तो मतलब कि बच्चों को जो यहाँ के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देखेंगे वहाँ के बच्चों को भी मेरे ख्याल से क्वालिटी से ज़्यादा नहीं होगा। तो मोस्ट बच्चों के हिसाब से तो ये तो friends एक बच्चे की perspective खासकर जो इंडिया में नहीं रहता उसके हिसाब से वो उसको ये मूवी पसंद नहीं आई और हस्बैंड क्योंकि वो इस टाइप की मूवीज देखते नहीं उनके जॉनरा नहीं है इस टाइप की मूवीज देखने वाला तो उन्होंने कहा है कि ठीक है जिसको पसंद आती है इस टाइप की तो वो देखे और मेरे लिए मैंने जब ये टीजर देखा है तो मुझे बुरा नहीं लगा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे ठीक लगा है तो मैं देखूंगी मूवी जब मुझे देखने का मौका मिलेगा तो ये हमारा रिएक्शन है तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।